हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे सबसे पहले हम पेशेंट से एजीटी टेस्ट ट्यूब यानी पर्पल जो कलर का जो कैप होता है ये वाला, इसी का कलर का रहेगा तो इसका एजीटी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके ब्लड लेंगे पेशेंट से, फिर मिक्स वेल बढ़िया से करेंगे जो जो भी है। इसके बाद मिक्स 2-3 मिनट तक मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है कि ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो हमारा जो स्लाइड एकदम क्लीन होना चाहिए और क्लीन कॉटन से जो है स्लाइड उसको वॉश करेंगे एकदम क्लीन से और ड्राई होना चाहिए ताकि हमारा ब्लड ग्रुप लगाते समय घबराए ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको अब तो दोस्तों ये हम बता रहे हैं कि जिसे हमारे ये ब्लड ग्रुप रिजेंट है, देख लीजिए इसमें NTAB D डी, इसके बारे में सब बढ़िया से बताएँगे। तो अब हम पहले लगा के दिखा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे दोस्तों ये माइक्रोपीपेड है, ये माइक्रोटिप है, इसमें लगा दिए। इसमें से कम 15 माइक्रोलीटर ले लेंगे, चाहे 20 माइक्रोलीटर, मान लीजिए 20 माइक्रोलीटर ले रहे हैं ताकि हमारा क्लियर रिजल्ट आओ। दोस्तों जैसे हमारा रिजल्ट है आर कलर का है जो है, इसमें जो है कि NTA जो है, NTA NTB NTD, तो NTA का मतलब जैसे मान लीजिए इसमें 3 चैम्बर लगाएंगे, 1-2-3 सर्किल है, तीनों में लगाएंगे, तीनों में ब्लड डाल देंगे, EDTA ब्लड डालेंगे। देखिए डाल दिए, डालने के बाद माइक्रोटिप तुरंत चेंज करेंगे, हमेशा चेंज भी करते रहेंगे। उसके बाद जो है कि इसमें से NTA जो है इसको पहले हम डालेंगे, फिर NTB जो है दूसरा हम डालेंगे, NTD जो है तीसरा हम डालेंगे। देखिए मेरा भाई डाल रहा है। दोस्तों हमारा NTA जो है ब्लू कलर का रहेगा, देखिए इसमें कलर से भी पहचान सकते हैं आप, NTA लिखा हुआ है, ठीक है। एक बूंद डालेंगे ताकि एक दूसरे में संपर्क ना है, बस। ये NTB जो है येलो कलर का है, देख लीजिए भाई। तो दोस्तों हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे पकड़ें, कि कौन सा ग्रुप है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, कौन सा फैक्टर है, सब बताएंगे। NTD जो है जो कि कलरलेस है, जैसे पानी की तरह होता है, जैसे जना नहीं रहा है, NTD लगा। जैसे तीनों सर्किल में डाल लिए, फिर तीनों में जो है कि अलग अलग जैसे NTA NTB NTD डाल लिए। अब माइक्रोटिप से जो है कि क्लीन होना चाहिए, उसे मिक्स करेंगे और तीन माइक्रोटिप से मिक्स करेंगे, आपस में संपर्क नहीं होना चाहिए। देखिए ये मेरे भाई ले लिया है 3 माइक्रोटिप, इसी तरह मिक्स कर देंगे। डिस्चार्ज कर देंगे, इसको डिस्चार्ज कर दिया, फिर हम नया लेंगे, हम नया में NTB डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसको डिस्चार्ज कर दिए, फिर NTD मिस करेंगे। बस अब इसको रोटेट करेंगे 2 मिनट तक, जैसे इसमें से एक लुटिनेशन दिखेगा, जैसे देखिए इसमें फट गया है, NTA फट गया है और हमारा NTB NTD नहीं दिख रहा है, तो फिर इसको बढ़िया से क्लीन करेंगे कि है कि नहीं, क्या चीज़ है, क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। देखिए इस तरह मिस करेंगे 2 मिनट तक, तब तक हम वीडियो को पॉज करते रहेंगे, बढ़िया से रिजल्ट आएगा दिखा देंगे, इसी तरह करते रहेंगे दोस्तों। तो ये हम जैसे हमारा हो गया समय, तो देखिए इसमें क्लियर रिजल्ट हमारा आ गया है, जैसे NTA फट गया है और NTD फट गया है। तो NTA का मतलब ये होता है और NTB और NTD का मतलब ये होता है भाई, कि अगर जो फट गया उसका नाम लेंगे, जैसे NTA फट गया तो NTA यानी कि ए हो गया हमारा, बी नहीं फट गया तो उसका नाम नहीं लेंगे, और डी फट गया तो डी का एक काम है कि पॉजिटिव और निगेटिव और फैक्टर जो है यही है,
इसको पॉजिटिव नेगेटिव शो करता है, इसी का एक काम है बस। तो जैसे मान लीजिए कि एन टी ए फट गया तो एन टी ए का नाम ले लिए, आई पास टू फट गया तो पास टू है, नहीं फटा तो निगेटिव हो गया। तो हमारा पास टू यानी कि एन टी डी फट गया तो पास टू हो गया, एन टी डी नहीं फटा तो निगेटिव हो गया। तो हमारा ए पास टू रिजल्ट है। इसी तरह से हम ये बताएंगे जैसे इसका डी का जो कार्य है कि पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर यही शो करेगा, एक इसका यही बस काम है। और दोस्तों अगला वीडियो में थ्योरी में बताएंगे कि कैसे मतलब ब्लड ग्रुप को पकड़ते हैं, जैसे पॉजिटिव है निगेटिव है, इसमें हमारा वीडियो जो है कि लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। यार मेहनत करें, आपके लिए कुछ तो बनता है यार, सपोर्ट करते रहो यार। ठीक है भाई, वेलकम।